Let's do question number fourth of exercise three C that is linear equation in two variables. Question number fourth is solve each of the following system of equations by using the method of cross multiplication. two equations. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करनी है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू जीरो और सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो और सेकेंड इक्वेशन थी टू एक्स प्लस वाई प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव एप्लीकेशन हमारा एक्स है वाई है और कांस्टेंट है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू एंड बी वन बी टू राइट अब b1 वन टू क्या दे रखा है Y के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारे b1 वन बी टू के X के साथ जो हैं वो a1 वन टू है और जो ये विदाउट वेरिएबल है वो सी वन सी टू है तो हमारा b1 वन है टू b2 टू है वन c1 वन है 25 c2 टू है टेन a1 वन है थ्री a2 टू है टू एंड b1 वन है टू एंड b2 टू है वन राइट right? तो ये क्या लिखते थे x अपॉन बी वन इं टू सी टू बी टू सी बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बी टू सी ये एरो का मार्ग देखिए तो इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है एरो तो इसका मतलब पहले ये डिजिट फिर ये डिजिट राइट इक्वल्स टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल्स टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन राइट तो ये कितना आ गया x अपॉन बी था हमारा 2 और c2 था 10 इसी तरीके से b2 था 1 और c1 था 25 y वाई अपॉन सी था 25 और a2 था टू माइनस सी टू था टेन और ए वन था थ्री वन अपॉन ए वन था थ्री बी टू था वन माइनस ए टू था टू और बी टू वन था टू राइट right? तो अब हमारा नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या आएगा एक्स अपॉन टू टेन ज ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव राइट तो हमने रख दिया एक्स अपॉन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव अब वाई के नीचे देखें तो वाई तो है के नीचे क्या आएगा यह आया ट्वेंटी फाइव टू ज फिफ्टी माइनस थर्टी तो हमने लिख दिया यहां पे फिफ्टी माइनस थर्टी और कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा कांस्टेंट के नीचे देखिए थ्री वन जी और टू टू ज फोर तो थ्री माइनस फोर तो ये आ गया थ्री माइनस फोर तो सॉल्व कर लेते हैं एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस का है ट्वेंटी प्लस का है तो आपस में ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े वाले का लग जाएगा इसमें भी ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े वाले का इसमें भी ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े वाले का राइट तो ये आएगी माइनस फाइव इक्वल्स टू वाई अपॉन ट्वेंटी इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस वन राइट तो अब हम एक्स और कांस्टेंट वैल्यूज लेंगे एक्स अपॉन माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस वन लिखूँ या वन अपॉन माइनस वन लिखूँ बात एक ही है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव इन टू माइनस वन तो एक्स कितना आ गया माइनस माइनस प्लस और फाइव वन जा फाइव इसी तरीके से वाई अपॉन ट्वेंटी इक्वल्स टू माइनस वन तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया वाई इक्वल्स टू माइनस वन इंटू ट्वेंटी तो वाई आ गया हमारा माइनस का ट्वेंटी इस द आंसर देखिए अब हमें पता चल गया एक्स है फाइव और वाई है माइनस ट्वेंटी इस दंसर